तो दोस्तों अक्सर आप क्या देखते हैं कि कोई कोई भाई अपना ब्लॉग को अपलोड करता है तो यार उसका बहुत ही अच्छे तरीके से वायरल हो जाता है, लाखों में व्यू चले जाते हैं। लेकिन कोई कोई भाई अपने ब्लॉग को अपलोड करता है तो यार उसका वायरल ही नहीं होता। हो सकता है कि आप भी एक ब्लॉगर हो, आप भी अपने ब्लॉग को अपलोड करते हो लेकिन आपका ब्लॉग बिल्कुल भी वायरल नहीं होता। लोग अपने ब्लॉग को अपलोड करते हैं उनका वायरल हो जाता है, वो एकदम फेमस हो जाते हैं। तो गाइस हो सकता है कि आप अपने ब्लॉग को गलत टाइम पर अपलोड करते हो, क्योंकि यार मेन जो इफेक्ट होता है यूट्यूब पर व्यूज लेने का वो गाइस पहला तो कॉन्टेंट होता है। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा होगा तो व्यूज आ जाएगा। सेकंड नंबर पर टाइम यहाँ पर मैटर करता है। अगर आप अपना जो वीडियो अपना जो ब्लॉग टाइम टू टाइम आप अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो ब्लॉग हुआ चाहे वीडियो हुआ चाहे कुछ भी हुआ यूट्यूब पर आपका बिल्कुल ही वायरल होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है यार हर चीज का टाइम अलग अलग होता है, हर टाइम पर अलग अलग कैटेगरी के लोगों का व्यूज मिलता है, हर टाइम पर अलग अलग प्रकार का काम। तो गाइस अगर आप एक ब्लॉगर हैं लेकिन आप अपने चैनल पर ब्लॉग अपलोड करते वो वायरल होने में नहीं आता, आपके व्यूज बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होते, तो आज की वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट देख लेंगे बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे और इसको ट्राई करेंगे तो 101% आप अपने व्यूज को इंक्रीज कर लेंगे। क्योंकि आज के वीडियो में आपके लिए वेस्ट टाइम बताने वाला हूँ, जिस टाइम पर अगर आप अपने ब्लॉग को अपलोड करेंगे तब आपके जो व्यूज है वो 100% इंक्रीज हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपको भी वेस्ट टाइम चुनना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के प्रमोशन में देख लेते हैं। तो गाइस यहां पर लाइव स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आज के जो विनर बने इनकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाए जाकर आपको सपोर्ट करना है। साथ ही अगर आप भी मेरे चैनल पर विनर बनना चाहते हैं आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लेना। ए टू जेड आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आप भी मेरे चैनल पर विनर बन सकते हैं और अपने वीडियो को प्रमोट करा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए विजिटर को तो सब्सक्राइब भी कर लेना और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर सेट भी कर देना, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर मिलते रहते। तो गाइस अब बात करते हैं कि हमको अपना ब्लॉग को किस टाइम पर अपलोड करना है। मैंने देखा कुछ लोग यार शाम के टाइम पर ब्लॉग को अपलोड कर देते थे, कुछ लोग 3 बजे, कुछ लोग 1 बजे, कुछ लोग 10 बजे, इस प्रकार से अपलोड करते हैं। तो गाइस जो फिक्स टाइम होता, पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ आपका, हर एक जो भी क्रिएटर हुआ या नहीं हुआ सभी का बताता हूँ, आम जनता जो भी है यूट्यूब पर जितने भी लोग है उनका मैं फिक्स टाइम बताता हूँ। तो दोस्तों अभी के टाइम पर क्या होता है कि शाम को 10-11 बजे सारे लोग सो जाते हैं, उसके बाद में कोई भी यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रह जाता। सुबह 7 बजे से सारे लोग धीरे धीरे एक्टिव होते जाते हैं और यूट्यूब पर आ जाते हैं। तो कोई शाम के टाइम पर सारे लोग एक्टिव तो होते हैं लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि वो लोग आपके वीडियो को यानी कि आपके ब्लॉग को वॉच कर ही लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपनी मूवी देखते हो सकता है कुछ लोग फैमिली के साथ कुछ और प्रोग्राम देखते हो सकता है कि किसी के में मोबाइल डाटा ही नहीं बचा हो। तो गाइस ये हो सकता है शाम के टाइम पर यार 100% में से 30% लोगों का डाटा ही खत्म हो जाता है, जिससे वो यहां पर ऑनलाइन ही नहीं आ पाते, जिससे आपका ब्लॉग को यहां पर वॉच करेंगे। अब गाइस पहला रीजन यही हो गया कि शाम के टाइम पर आपको यहाँ पर ज्यादा ऑडियंस नहीं मिलेगी जो आपके ब्लॉग को वॉच कर ले। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 10-8 बजे जो भी 50% ऑडियंस मान लीजिए एक्टिव है लेकिन वो अगर वॉच भी करेगी तब यार आपका पूरा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 10 बजे तक ही लोग एक्टिव रहते। अब 10 बजे तक कितना व्यूज ले लेगा आपका वीडियो, कितना व्यूज ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा 100, 200 या 300 जैसे आपके व्यूज आते होंगे। लेकिन गाइस अब 10 के बाद में क्या होगा कि सारे लोग यहाँ पर सो जाते और यूट्यूब पर कोई भी एक्टिव नहीं रह जाता, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम आपके ब्लॉग को किसके पास पहुंचाएगा? किसी के पास नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कोई एक्टिव ही नहीं है तो दिखाएगा किसको? अब क्या होगा कि आपके चल की आपके वीडियो की रीच गिर जाएगी, क्योंकि कोई यहाँ पर क्लिक भी नहीं करेगा और हो सकता है कि एल्गोरिथम आपके को भेजे ही ना। तो सुबह क्या होती है, सुबह को हो सकता है कि वो ना भेजे, तो ऐसा हो जाता है कि रात के टाइम पर अगर आप अपने ब्लॉग को अपलोड करते हो तो यार उसके लिए 2 से 3 घंटे ही सिर्फ मिलते हैं जो लोगों के पास पहुंचता, और उनमें से आधे लोगों के पास डाटा नहीं होता, आधे लोग मूवी में लगे होते, वो लोग आपके ब्लॉग को वॉच नहीं करते। अब गाइस वेस्ट टाइम बता दें कि वेस्ट टाइम कौन सा है, जैसे सुबह 7 बजे से लोग धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं, एक्टिव होते वक्त सुबह के टाइम पर सारे लोगों के पास डाटा होता है, किसी का खर्च नहीं होता, सभी लोगों का डाटा होता है, सभी लोग मूड फ्रेश में होते हैं, वो कहते हैं यार कुछ भी मिल जाए बात कर लेंगे। अब गाइस शाम के टाइम पर क्या हुआ कि आपका व्लॉग देख रहे हैं 1 मिनट हो गया, अब किसी और बंदे की वीडियो आ गई तो वो आपको छोड़ा उसकी देखने लगे, तो ऐसा हो जाता है। और सुबह के टाइम पर क्या होता है, अगर आप अपनी वीडियो को अपलोड कर देंगे, ब्लॉग को अपलोड कर देंगे 7 बजे 8 बजे 9 बजे जितने भी टाइम पर अपलोड करेंगे तो सभी के फोन में डाटा होगा, सभी लोग खाली होंगे, सुबह के टाइम पर सबसे पहले फोन ही देखते हैं, उसके बाद में ही नाश्ता खाना पीना होता है तो पहले मोबाइल देखते हैं। तो अगर वहीं पर अगर आपका व्लॉग आ जाता है तो लोग यार उस व्लॉग को वॉच कर लेते हैं, 100 में से
कम से कम 70-80% लोग आपके ब्लॉग को वॉच कर लेंगे। तो गाइस अभी के टाइम पर अगर आप देखेंगे जो भी मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर है वो यार सुबह के टाइम पर ही ब्लॉग अपलोड करेगा। 10 बजे तक सारे ब्लॉगर अपने ब्लॉग को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद में नहीं करते, क्योंकि उसके बाद में पता है कि सारे लोग अपने काम में बिजी हो जाएंगे और जो यूट्यूब पर रहते हैं वो यार यूट्यूबर ही रहते हैं बाकी के टाइम पर, या तो फिर शाम में आएंगे तो शाम में ये भी श्योर नहीं कि वो लोग हमारे ब्लॉग को वॉच कर लेंगे। तो ये सारा कुछ होता है, आपको जो ब्लॉग है वो सेम टाइम पर अपलोड करना है, 8 बजे, 7 बजे या 7:30 बजे, इस प्रकार से अपलोड करना है। 10 बजे तक आप कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे व्यूज देखने को मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी आएगी। और जो मेन बात है, अगर आपने सुबह के 7 बजे आपने अपने ब्लॉग को अपलोड किया, अब होगा कि सारे पूरे दिन लोग एक्टिव रहेंगे, ऐसा नहीं कि सारे लोग दिन में सो जाएं, तो रात की तरह सीन नहीं होगा, सारे लोग एक्टिव रहेंगे और आपका जो ब्लॉग का इंप्रेशन है वो हाई रहेगा। यूट्यूब रेगुलर आपके ब्लॉग का इंप्रेशन भेजता रहेगा और जितने ज्यादा क्लिक और व्यूज आएंगे उतनी तरीके से आपका ब्लॉग जो है वो स्पीड से वायरल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपके लिए वेस्ट टाइम बताया, जो भी समझा है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, आपको लगता है कि हाँ यार ये वेस्ट टाइम है, कमेंट में जरूर बता कर जाना। और आज की जो वीडियो है आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर देना, जल्दी से 20 कराने स्पेशल वीडियो आपके लाने। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, टेक केयर एंड बाय।